हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 1 है जो फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और किसी का पेपर 2 अगर इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो हम बात करते हैं इसी यूनिट में। एक अपने पास एक सब टॉपिक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की लॉज की बात है। तो इसमें कुछ कुछ बातें हम पहले बेसिक बातें करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट ने डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो टर्म थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो टर्म दी हुई है थर्मोडायनेमिक्स, ये सबसे पहले जो कॉइन की गई वो किसके द्वारा, 1749 में की गई विलियम थॉम्सन के द्वारा। पहली बात तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स जो ये टर्म दी गई है ये कब दी गई है, 1749 में दी गई है और विलियम थॉम्सन के द्वारा दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे हम इसी में बात करेंगे विलियम थॉम्सन के द्वारा 1749 में। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका हम एक तरह से डायलिसिस कर दें, इसका थर्मोडायनेमिक्स है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है और ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, आपको पता है इस तरह से फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ लेता है यूजीसी नेट। अब की बार से पहले पूछ लिया कि ला निनो और एल निनो का क्या मतलब है, इनका मतलब क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक तो है थर्मस, ठीक है, और एक है डायनेमिकोज। ठीक है, और इसका मतलब होता है, थर्मस का मतलब है हीट और डायनेमिकोज का मतलब है पावरफुल या फिर हम कह सकते हैं फोर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आपको दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो याद रखनी है, एक तो पहली ये कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स टर्म थी वो 1749 में कॉइन हुई और विलियम थॉम्सन ने इसको इस टर्म को कॉइन किया। और दूसरा, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, थर्मस और डायनेमिकोज, और इनका मतलब है हीट और पावरफुल। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगर आपको ये कह दे कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो थर्मोडायनेमिक साइंस है वो क्या बताती है, तो याद रखना तो थर्मोडायनेमिक्स है वो साइंस ऑफ द रिलेशनशिप। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक रिलेशनशिप का संबंध, किसके बीच संबंध, बिटवीन हीट वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी। ये की बात है, ये की पॉइंट है जो आपको चित्त को शांत करके संभाल के रखना है। थर्मोडायनेमिक्स साइंस ऑफ द रिलेशनशिप, किस किस के बीच का रिलेशनशिप, हीट वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी, यानी कि ऊष्मा कार्य ताप और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताती है। कौन, थर्मोडायनेमिक्स वो साइंस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक अगर बात करें ये किसके साथ डील करती है, किसके साथ, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान एनर्जी का ट्रांसफर। डायनेमिक्स शब्द लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, एक तरह से पावरफुल होना, फोर्स होना, डायनेमिक्स, ठीक है ना, और थर्मो मतलब हीट या एनर्जी, तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी का ट्रांसफर है। एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एनर्जी का ट्रांसफर और एक फॉर्म से लेके दूसरी फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आपको पता है ना, जैसे अगर मैं बात करूं वेपर फॉर्म में भी हो सकती है एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है ना, तो इस तरह से एक फॉर्म चेंज होके एनर्जी का ट्रांसफर होना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, रेडिएशन की फॉर्म में जा सकता है, समझ में आ रही है आपको बात। तो ये सारी की सारी फॉर्म के बारे में भी आगे हम बात करेंगे और यहाँ से कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज होता है, उन शब्दों को भी अपने को ध्यान रखना है जहाँ से यूजीसी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई, थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है, किस तरह की वो साइंस है, कौन सा रिलेशनशिप बताता है, ये सारी बात, थर्मोडायनेमिक्स शब्द किसने कॉइन किया और थर्मोडायनेमिक्स है वो किस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये कुछ कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे हम बात करते हैं, अच्छे से शांति से चित्त को रिलैक्स करके हर बात को सुनना है। अब थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की बात करें, तो अब सिस्टम क्या होता है, अगर इसमें आप देखो ये सिस्टम है, ठीक है ना, एक सिस्टम वो होता है जहाँ पे हमारा फोकस होता है एक तरह से, ठीक है, कि इसको स्टडी कर रहे हैं, वो है एक सिस्टम, और उसके जो भी बाहर बच गया भाग वो है उसकी सराउंडिंग, बात समझ रहे हो, वो है उसकी सराउंडिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे हमें कुछ सिस्टम के टाइप पढ़ने हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत यूज होएगी, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है, जहाँ अपना
वाला फोकस होता है जिसको हम देख रहे हैं कि यहाँ इसकी बाउंड्री हो सकती है, इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है, एक्चुअल हो सकती है सिस्टम की, ठीक है। और सराउंडिंग जो सिस्टम के बाहर सारा बच गया वो उसकी क्या है, सराउंडिंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स के जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्लोज सिस्टम के बारे में क्या सच है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले ये तो पता हो जाए कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, तो सिस्टम तो ये हो गया, ठीक है, और सराउंडिंग ये हो गई, ठीक है। इसके जो सिस्टम से बाहर है वो सारी की सारी उस सिस्टम की क्या है, सराउंडिंग है। इसको अगर डिफाइन करना पड़े वन लाइन में कि तो कैसे करेंगे, सिस्टम क्या होता है, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर विद ए डिफाइंड बाउंड्री ऑन विच अवर अटेंशन इज फोकस्ड, जहां पे हमारा अटेंशन फोकस होता है। द सिस्टम बाउंड्री में बी रियल, वास्तविक भी हो सकती है, इमेजनरी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है और डिफॉर्मेबल भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिस्टम की कोई डेफिनेशन पूछे तो ये है, ठीक है ना, जहां पे हमारा अटेंशन होता है, जहां पे हमारा फोकस होता है बिल्कुल, वो क्या होता है, सिस्टम होता है। अगर बात करें सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग क्या होता है फ्रेंड, सराउंडिंग होता है एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, जो सिस्टम के बाहर जो बच गया सब कुछ वो क्या है, सराउंडिंग है। जैसे हमने बात करी ये सिस्टम है, ठीक है ना, और ये सिस्टम है और इसके बाहर जो भी बच गया ये उसकी क्या है, सराउंडिंग है। बात समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना, ठीक है ना, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है किसको, बिहेवियर ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये सराउंडिंग होगी, अरे जितनी जैसी सराउंडिंग होगी वैसे सिस्टम को इफेक्ट तो करेगी। अगर सराउंडिंग बहुत गर्म है तो सिस्टम में टेम्परेचर जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे बताओ। मान लेते हैं ये सराउंडिंग बहुत गर्म है और ये सिस्टम है, तो यहाँ अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर हाई है और यहाँ टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, अरे जाएगी कि नहीं जाएगा, जाएगा। और अगर ये सराउंडिंग है वो उसका टेम्परेचर अगर कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर इधर से इधर आएगा कि नहीं, हीट का जो होगा फ्लो होगा वो इस साइड होगा नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, ठीक है, ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो इसका इफेक्ट है कि नहीं। देखो सराउंडिंग जैसा हो रहा है उस पर जो सिस्टम है अपना, जो तंत्र है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है कौन, सराउंडिंग। मेरी बात समझ रहे हो ना, यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ये बेसिक बात क्लियर होगी तो आगे चले हम कि सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जहां पे अपना कंप्लीट फोकस होता है और सराउंडिंग जो एक्सेप्ट द सिस्टम, जो भी कुछ बच गया वो सारा का सारा क्या है, सराउंडिंग है। मेरी बात समझ में आ गई कि उसको घेरे हुए है, ठीक है ना, और वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है सराउंडिंग किसको, सिस्टम को, ठीक है ना। और यहां पे तीन तरह के सिस्टम होते हैं, जहां से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है वहां बात कर लेते हैं। सिस्टम कितने तरीके होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, यानी कि खुला परक्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे हमने बात करी थी ये सिस्टम है और ये इसकी सराउंडिंग है, अगर सिस्टम से सराउंडिंग के बीच मास या मटेरियल कह सकते हो, मास कह सकते हो, और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, हीट एनर्जी और मास दोनों का अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफर चलता है, स्थानांतरण होता है, तो वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा, वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कौन सा होता है, जो मास और एनर्जी का दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, किस किस के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उसको कहेंगे ओपन। अरे खुला है तो ट्रांसफर होने दीजिए, मास भी ट्रांसफर होएगा और यानी कि द्रव्यमान भी ट्रांसफर होएगा और एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी ट्रांसफर होएगी, ठीक है। मेरी बात समझ लो, जितने भी आप नेचुरल इकोसिस्टम में जितना आप ज्यादातर जो देखते हो ना, जो इकोसिस्टम होते हैं वो ज्यादातर ओपन ही होते हैं, जो आप नेचुरली ज्यादातर देखते हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां मास का भी ट्रांसफर होता रहता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। यूजीसी नेट ने क्लोज सिस्टम के बारे में पूछा था कि बंद परक्रम यानी कि क्लोज सिस्टम के बारे में क्या सच है, ठीक है ना। क्लोज सिस्टम के बारे में क्या सच है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये उल्टा कर देते हैं कई बार हम। यहां पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यानी कि एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, लेकिन ट्रांसफर ऑफ मास डजंट टेक प्लेस। याद रखना है, अगर क्लोज सिस्टम की बात करें, बंद परक्रम की बात करें, तो यहां पे हीट एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है सराउंडिंग से सिस्टम और सिस्टम से सराउंडिंग के बीच, हीट एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चित को रिलैक्स करके सुनना है। इसका कारण ये कह रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम तक
के उल्टा होने की कोशिश करता है। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि मास का ट्रांसफर हो रहा था कि एनर्जी का। याद रखना, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग से सिस्टम के बीच, बट मास का ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बंद परिक्रम या क्लोज सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अब आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, तो आइसोलेटेड में क्या होगा, ना ही तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा सिस्टम का सराउंडिंग के साथ। ये तो आइसोलेटेड है, बिल्कुल आइसोलेटेड है। मेरी बात समझ गए ना? ये डेफिनेशन यूजीसी ने क्लोज वाली पूछी है। और एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हिमाचल पीसीएस ने शायद लिया था, उसमें भी क्लोज सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको हम एक टेबल से आपको दिखा देंगे। चलो टेबल से देख लेते हैं कि क्या होता है। इंट्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें क्या है, ना ही तो मास फ्लो होता है ना हीट फ्लो है, तो काम भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी वर्क नहीं है, वर्क डन कुछ भी नहीं है। ओपन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मास का भी फ्लो होगा, वर्क डन भी है और हीट का भी फ्लो होता है। और क्लोज सिस्टम की बात करें तो मास का फ्लो नहीं है और वर्क होगा क्योंकि हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में भी एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, वहाँ से भी इससे क्वेश्चन उठा लेते हैं और पेपर टू में तो आता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखो अपने आप को रिलैक्स रखो, चित को शांत रखो, खुशी से पढ़ोगे तो सब याद हो जाता है। ठीक है ना, बस समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके बारे में बात करते हैं, अच्छे से सुनना है। ठीक है, देयर इज सम एनर्जेटिक चेंज विद इन द सिस्टम दैट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है, जब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है ना, कोई भी सिस्टम हो उसमें अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा, यानी कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर या मास का ऐसा कुछ होता है, तो उसके अंदर सिस्टम में क्या चेंजेस आ सकता है, प्रेशर में चेंज आ सकता है यानी कि दाब में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन में चेंज आ सकता है, इंटरनल एनर्जी यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, उसमें चेंज आ सकता है। ठीक है ना, तो ये एक तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, उसमें इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, प्रेशर में चेंज आ जाए सिस्टम के, वॉल्यूम में, क्योंकि अगर उसमें कुछ हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, तो चेंज आना स्वाभाविक है, या तो प्रेशर में चेंज आएगा किसी सिस्टम के, या फिर किसी सिस्टम के वॉल्यूम में। आप मान लो किसी सिस्टम में आपने ना कुछ एयर का फ्लो कर दिया, ज्यादा कर दिया, ठीक है ना, मास का भी फ्लो कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मैं ये कह रहा हूं, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसिंग होती है जिसमें मास और हीट एनर्जी के ट्रांसफर की बात हो रही है, अगर किसी भी सिस्टम में इस तरह का प्रोसेस होता है, तो वहां पे चेंज प्रेशर में भी आ सकता है, वहां वॉल्यूम में भी आ सकता है और इंटरनल एनर्जी में भी ट्रांसफर चेंज आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? आंतरिक ऊर्जा में भी, अगर आप ऊर्जा ज्यादा दे रहे हो तो इंटरनल एनर्जी हो सकता है बढ़ जाए उसकी। मेरी बात समझ रहे हो? चलो यही बात है। तो यहां पे क्या हमें करना क्या है, ये तो बेसिक सी बात है कि आप लोगों को समझ आ गई कि सर ऐसा तो होता ही होगा और होगा ही, क्योंकि अगर कोई चेंज होगा तो कोई भी प्रोसेसिंग होगी थर्मोडायनेमिक तो चेंज आना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें कुछ शब्द है, जो चार शब्द है उनको आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट यूजीसी नेट पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मेरी बात समझ रहे हो? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह है, लेकिन अगर समझोगे तो याद भी हो जाएगा। देर आर फोर टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, चार तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है ना, कितने तरह के प्रोसेस है, चार तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। एक है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस? ये कौन सा प्रोसेस है? ए प्रोसेस वेयर नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम अकर। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट का जो ट्रांसफर होता है ना तो बाहर होता है और ना ही अंदर होता है सिस्टम में। ये ध्यान रखना, ना तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा ना अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। क्या हीट ट्रांसफर ये नहीं होगा इस प्रोसेस में, तो क्या बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। और सीधा पूछ लेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको हिंदी में रुदोषम बोलते हैं, तो हिंदी तो आपको एडियाबेटिक ही करते हो आप। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस वेयर नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम अकर, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि कोई सिस्टम है ना तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर अंदर होगा ना बाहर होगा, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं जहां पे वॉल्यूम में चेंज ना हो।
ए प्रोसेस वेयर नो चेंज इन वॉल्यूम अकर, जहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं हो एंड द सिस्टम डज नो वर्क, जहां वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो काम भी नहीं होगा। तो ये याद रखना है, सीधा पूछ लेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आप कहोगे जहां पे वॉल्यूम में अंदर चेंज नहीं होता सिस्टम में, वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, बात समझिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। और एक है आइसोबारिक प्रोसेस, जहां पे नो चेंज इन प्रेशर, जहां पे दाब में कोई चेंज नहीं होता, दैट इज आइसोबारिक। ये डायरेक्ट मैच करने के लिए पूछ लेते हैं, प्लीज इनको ध्यान रखना। ठीक है, एडियाबेटिक, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं है, आइसोकोरिक जहां वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आइसोबारिक जहां पे प्रेशर है वो चेंज नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता प्रेशर में। ठीक है, और आइसोथर्मल, तो आप जिसको तो बहुत बार सुन चुके हो, नो चेंज इन टेम्परेचर अकर, तो वो क्या प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। ठीक है, ये चारों शब्द हैं, ये आपको अच्छे से रखने हैं और ये इनको याद रखना है। ठीक है, आगे शब्द है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। ये चार शब्द है, ये मैच करने के लिए यूजीसी नेट ने पूछा है, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि कंडक्शन का क्या मतलब होता है, कन्वेक्शन का क्या मतलब होता है, रेडिएशन का क्या मतलब होता है और इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है। जब हम एनर्जी ट्रांसफर की बात कर ही रहे हैं तो इन चारों शब्दों के बारे में हमें यहाँ पढ़ लेना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं कंडक्शन की, किसकी बात करते हैं, कंडक्शन की। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू इन ए मटेरियल एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। मैं पहले एक बार डायग्राम दिखा देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। ये कंडक्शन है, जैसे आपने कोई ये पानी पूरी गर्म कर रहे हो कुछ, तो ये जो इसका जिसको हम पकड़ते हैं वो गर्म भी हो जाता है ना इसके साथ। ठीक है ना, जो हैंडल हम पकड़ते हैं वो भी गर्म हो जाता है, तो हैंडल का गर्म होना इज द कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन पे जाओ, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए मटेरियल, एक पदार्थ मटेरियल में। ठीक है ना, ये मटेरियल में एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर होगा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर ये हैंडल का गर्म होना एक तरह से क्या है, कंडक्शन। ये चीज ध्यान रखनी है, ये बहुत ही टू पॉइंट्स के जो मटेरियल होते हैं उनके डिफरेंट टेंपरेचर की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, चित को शांत करके दोबारा सुन लेना, किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। कंडक्शन को अगर और अच्छे से करें, अकर मोर रेडली, वहां पे बहुत तेजी से पाया जाएगा कंडक्शन का, वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर टू टुगेदर, जहां पे पार्टिकल बहुत पास पास है, एक तरह से सोलिड के अंदर कंडक्शन बहुत अच्छे से पाया जाएगा। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे पार्टिकल्स, मटेरियल की बात हो रही है ना, तो पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत बहुत पास पास है क्योंकि ये तो सोलिड है, तो यहाँ पे बहुत ही तेजी से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो ये है कंडक्शन, याद रख लेना। ये क्वेश्चन असेसन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट मैचिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कंडक्शन अकर मोर रेडली वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर देन इन गैस वेयर पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट, जबकि गैस में तो पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, यहाँ पे कंडक्शन पाया जाना बहुत मुश्किल होता है। तो कंडक्शन जहां पाए जाएंगे, जहां पे पार्टिकल है वो बहुत बहुत पास होते हैं, वहां बहुत इजीली पाया जाता है। तो कंडक्शन का मतलब समझ गए ना, कि दो पॉइंट में जहां मटेरियल है उनके टेंपरेचर का फ्लो होना हाई से लो, यानी कि डिफरेंस तो होना चाहिए टेंपरेचर, तभी तो होगा। दो पॉइंट के बीच टेम्परेचर या हीट एनर्जी का फ्लो कब होगा, यानी कि अगर इनका दोनों का टेम्परेचर T1 है तो हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा क्योंकि सेम हो गया टेम्परेचर। यहां पर अगर T2 और T1 मान लेते हैं, और T2 मान लेते हैं T1 से बड़ा है, ठीक है, तो टेम्पर हीट एनर्जी का फ्लो इस साइड हो जाएगा क्योंकि हाई से लो की तरफ। मेरी बात समझ रहे हो, ये है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड टर्म अपने पास थी कन्वेक्शन, ठीक है, एक तो थी कंडक्शन, अब कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय मोशन ऑफ ए फ्लूड, एक फ्लूड के मोशन से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं कन्वेक्शन। याद रखना, वो कंडक्शन था, ये कन्वेक्शन है। और जैसे मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देता हूँ कन्वेक्शन क्या है, जैसे ये देखो, When a fluid such as air or liquid is heated and then travel away from the source. अब देखो, ये मान लेते हैं एक लिक्विड है और इसको गर्म किया जाता है, तो देखो गर्म ठंडा नीचे बैठेगा और गर्म ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि गर्म होता है वो लेस डेंस होता है, बहुत ही कम उसका घनत्व होता है, और वाटर राइज करता है ऊपर, ये तो हमने देखा ही है, अरे तो गर्म करते हो घर पे देखा ही है। और जो वाटर कूल होगा वो नीचे आएगा, और जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे सिंक होता जाएगा। आपने बात तो देखी है ना, आप कभी रोड वगैरह लगा के किसी बाल्टी वाल्टी में पानी गर्म करते हो तो देखो कि ऊपर हाथ लगा के देख लेते हो तो ऊपर तो पानी गर्म हो गया, आपने निकाला और नहाना शुरू, जब नीचे जाते हो अरे इसमें पानी ठंडा था। तो ये कैन सा मैसर है, ये है कन्वेक्शन करंट की तरह से, कन्वेक्शन करंट यानी कि मोशन से, किसे, फ्लूड के मोशन से जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बस
अब समझ लिया, अब याद कर लेते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाई मोशन ऑफ ए फ्लूड, एक गति के द्वारा, एक फ्लूड के मोशन के द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। बात समझ में आ गई ना? आ गई होगी, ठीक है, वेरी गुड। और आगे बात करते हैं, अपनी थर्ड टर्म थी। एक बात, ये तो बात नोट डाल के मैं डाल ही दिया, नोट की तरह संभाल लेना, ये समझ भी ली थी ना। द फ्लूड अबव ए हॉट सरफेस एक्सपेंड बिकम लेस डेंस एंड राइज। जब आप हॉट हो जाता है, ठीक है ना, सरफेस तो आपको पता है एक्सपेंड होता है, तो लेस डेंस हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा और राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दो टर्म हमने पढ़ ली। तीसरी टर्म है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो रेडिएशन में है वो एनर्जी का ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये होता है रेडिएशन। तरंगे आती है ना सूर्य से, रेडिएशन, तो वो किस में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है उससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे ये आ रही है सोलर रेडिएशन, विजिबल लाइट आ रही है ना, ठीक है, और ये टकरा के यहां पे फिर ये जा रही है इंफ्रारेड, ये होता है रेडिएशन से हीट का ट्रांसफर होना, ये क्या कहते हैं? रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होना। ठीक है, बात समझ गए। और एक लास्ट अपनी टर्म है इवेपोरेशन। ठीक है ना, वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं, इवेपोरेशन करना। एनर्जी इज लॉस्ट थ्रू ए फेज चेंज। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? फेज चेंज की वजह से होता है। वजह से लिक्विड से क्या हो गया, उसमें वेपर फेज में आना, एक फेज चेंज हो गई ना, लिक्विड से किस में आ गया? वेपर में, यानी कि वो पहले तरल अवस्था में था फिर गैसीय अवस्था में आ गया, तो फेज चेंज से एनर्जी का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस दैट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये याद रखनी है, ये सरफेस ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन किस पे पाया जाता है? लिक्विड की सरफेस पे, वेयर द वाटर मोलिक्यूल चेंज देयर स्टेट। वहां पे अपनी जो वाटर मोलिक्यूल होता है वो अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है, लिक्विड से किस फॉर्म में आ जाता है? गैस या वेपर फॉर्म में आ जाता है। जैसे कोई भी वाटर की ओपन बॉडी है तो वहां पे इवेपोरेशन होता है ना, तो यहां पे किस फॉर्म में था? लिक्विड में था वाटर, और यहां टेंपरेचर पड़ने से वो किस में? वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाता है ना, तो यानी कि फेज की, यानी कि उसके फेज में चेंज आने से वो जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वो क्या होता है? इवेपोरेशन। ये याद रखना है। यहां पे दो टर्म है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एक है ट्रांसपिरेशन और एक है इवेपोरेशन। क्या डिफरेंस होता है ये आप नोट डाउन कर लेना, क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसपिरेशन एक क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल सारे काम करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ध्यान रखना, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जबकि इवेपोरेशन एक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन अकर ओनली इन लिविंग प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन किस में पाया जाता है? लिविंग प्लांट्स में मिलता है सिर्फ। और इवेपोरेशन अकर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडीज। ट्रांसपिरेशन होता है वो सिर्फ लिविंग प्लांट्स में होता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं पोर्स, उनके द्वारा जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में उड़ता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये लिविंग प्लांट्स में ही होता है ट्रांसपिरेशन, जबकि इवेपोरेशन होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडीज में होता है। नॉन लिविंग बॉडीज हो गया जैसे कोई भी पॉन्ड है ओपन, उसमें हो गया, और लिविंग बॉडी जैसे आप स्वेट पसीना वगैरह निकलता है वो भी एक तरह से इवेपोरेशन है। ठीक है ना, तो ये दोनों में होता है, ये सिर्फ लिविंग प्लांट में होता है ट्रांसपिरेशन, ये ध्यान रखना है। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ सेल्स। यहां याद रखना है, यहां हमेशा लिविंग की बात होगी, तो कोशिका है ये जो वाटर का लॉस होगा ये फ्री सरफेस ऑफ सेल्स, सेल की जो फ्री सरफेस है, कोशिका की जो फ्री सरफेस है उससे लॉस होगा। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। यहां पे फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, यहां पे फ्री सरफेस ऑफ सेल्स है, ये ध्यान रख लेना प्लीज। ठीक है, और दिस प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन। ये जो ट्रांसपिरेशन होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन दोनों से, क्योंकि फिजियोलॉजिकल है ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन दोनों उसको प्रभावित करेगी ट्रांसपिरेशन में। यहां पे सिर्फ ये कोई फिजिकल प्रोसेस है तो इसमें सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशन, अगर बाहर गर्मी ज्यादा है तभी पसीना आता है ना, इस तरह से बात होगी ना, तो एक्सटर्नल कंडीशन में ऐसा होता है, ये सिर्फ एक्सटर्नल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होती है। और इट इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस, जो ट्रांसपिरेशन है वो स्लो प्रोसेस है, किसकी वजह? इट इज फास्टर देन ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन है वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, जबकि कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है क्या? ट्रांसपिरेशन, और इवेपोरेशन है वो फास्ट प्रोसेस है, ध्यान रखना। इनसे ना एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी बन सकते हैं डिफरेंस के तौर पे, है ना, कि कौन सा, और या स्टेटमेंट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट लिखे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये सारी की सारी बात थी जिनमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात करी, हीट एनर्जी के ट्रांसफर की बात करी और फॉर्म की बात करी, और कुछ हमने सिस्टम की बात करी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और अपना आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग और सिस्टम के बारे में बात करी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में
बात करेंगे कौन कौन से लो है, कौन फर्स्ट लो क्या कहता है, सेकंड लो क्या कहता है, ये सारी बातें आगे आगे करते जाएंगे। इसमें आप इतना ही देखें, खुश रहे, ईमानदारी से, अच्छे से, शांति से पढ़ाई करें, अपने चित्त को रिलैक्स रखें, सब बहुत अच्छा है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुशी से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि UGC नेट का पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, और पेपर 2 अगर किसी का एनवायरमेंटल साइंस है तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।